हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बासुंदी की रेसिपी, जो गुजरात और महाराष्ट्र की एक फेमस डेजर्ट है। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बासुंदी बनाने के लिए हमने एक हेवी बॉटम पैन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि हमने जो दूध लिया है वो नीचे ना लगे। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए, और बीच बीच में हर 2 से 3 मिनट में इसे चेक भी करते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे ना लगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि 1 चुटकी जायफल का पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 15 से 20 केसर के धागे और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसकी क्वांटिटी आधी होने तक इसे पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी होने में 20 से 25 मिनट लगेगी। अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाते हैं तो 30 से 35 मिनट तो लग ही जाएगी, लेकिन हर 2 से 3 मिनट में इसे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आधी हो चुकी है। देखिए, हमने इसमें केसर ऐड किया है तो इसका कितना बढ़िया कलर आया है। अगर आप यहाँ पर केसर इस्तेमाल ना करना चाहो तो इसे बढ़िया सा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम चीनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पकाया है। ये देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ ऐसा रखना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर कुछ देर ठंडा करने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे और सर्व कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस डेजर्ट बासुंदी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को प्रेस किए बिना ना जाएं।